चार मित्रों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि मुझे उसने डराया, डर गया मैं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं। मजे से जी रहा था, मर गया मैं। मजे से जी रहा था, मर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। कैसर अली राणा का जश्न मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि कैसर अली राणा आपकी शख्सियत को का इन्होंने एतराफ किया है, तो आपका जश्न इन्होंने मना कर दिया, साबित किया है कि हमारे सुपौल का भी बच्चा हिंदुस्तान के किसी शायर से कमजोर नहीं है। आपने सुन के बतलाया है और उसका जो हौसला आपने बढ़ाया है, YouTube की दुनिया पर जब ये जाएगा पैगाम, तो लोग अपने अपने इलाके के शोरा को इसी तरीके से इज्जत बख्शेंगे, एक सबक मिलेगा। असलम परवाना साहब, बेपनाह आपका शुक्रगुजार हूं। अब आइए एक मतला, बिल्कुल अजीब मतला उठाता हूं, इसलिए कि आप मदद की है। मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूं, ये अलग बात है कि हमारे बड़े शोरा गुजर गए तो हमको आखिर में बुलाया जाता है, हम अभी भी छोटे हैं। मतलब सिर्फ चार मिसरे। मुझ पे सैया दिए, क्या बात, जफा न करे, क्या बात। मुझ पे सैया जफा न करे, मुझ पे सैया दे, मुझ पे सैया। जिस्म से बालों पर जुदा न करे, जिस्म से बालों पर जुदा न करे। और ये शेर असलम परवाना साहब आपकी बेपनाह मोहब्बतें जुमलों से भी और आप देख रहे हैं बढ़कर के भी, ये शेर पेश करता हूं। उलमा इकराम अभी तक जो खामोश हैं, जिन पे तोहमते शोरा ने लगाई के शायरा की तरफ इशारा कर रहे हैं या गीत पे दाद दे रहे हैं, आइए मैं उलमा की हक्कानियत बयान करता हूं इस शेर में। लहजा फरमाले, मुझे सैयाद ये जफा न करे, वो है मुनकिर, वो है मुनकिर हदीसे नबवी का, वो है मुनके हदीसे नबवी का, वो है मुनके हदीसे नबवी का, जो पड़ोसी का हक अदा न करे, जो पढ़ो जिंदाबाद दिल साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद करे, वो है मुनके। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह। ये यकजहती देखिए, मैंने हदीस का जिक्र किया है और देखिए कौन बढ़कर के हिस्सा ली है यार, इस पे तो ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली तक आवाज पहुंचे। ये दिल से दिल खैराबादी ने पढ़ा है, मैं नाम भूल रहा हूं, बबीता कुमारी। दुनिया देखेगी यार, आज भी कौमी यकजहती, लोग तैयार हैं, कुछ सरफिरे लोग हैं जो उजाड़ने के चक्कर में हैं, मगर ऐसे लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। मुझ पे सैया दिए
जवान करे वो है उनके हदीस नबवी का, वो है मुल्के हदीस नबवी का, जो पड़ोसी का हक अदा न करे, जो पड़ोसी का हक अदा न करे। एक बहन ने इस शेर पर नवाजा है, तो आइए ये अगर एक बहन किसी की है तो किसी की माँ भी होगी। एक शेर माँ के हवाले से बच्चों तक पहुंचाता हूँ। मुलायजा फरमाने, जो पड़ोसी का हक अदा न करे बदनसीब उससे बढ़े के कोई नहीं, बदनसीब उससे बढ़े के कोई नहीं, अपनी माँ का जो हक अदा न करे, अपनी माँ का जो हक अदा न करे। अब हजरत एक नई गजल का आगाज करने वाला हूँ और ये आखिरी मतलब उछलता हूँ हवा में। शायद रेख्ता के शायर अलग हैं, फरेख्ता के लोग अलग हैं। मैं हजरत इनका पीछा करते करते एक मतलब पहुंचाता हूं। इसको उर्दू के दस्तरखान पर दे रहा हूं मोहब्बत की गजा समझ करके। सुनिएगा, ये अल्लाह करे कि मतलब उलमा हजरत तैयार हैं। माशाल्लाह बशारत हुसैन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद इमरान खान साहब तशरीफ फरमा है। मतलब देखिए बिल्कुल नया, खुदाई पाक की कसम अभी कहीं पढ़ा नहीं हूँ, बस सबक सुनाने आया हूँ सुपौल की धरती पर। मुलाहिजा फरमा ले, सुनिएगा। भाई एक बार आपकी तालियां तो बजे ताकि मतलब आ जाए जुबान। मैं जो मतलब पूला मिश्रा उसका मैं लगा करके वैसे ही छोड़ा हूँ, मेरे जहन से वो उतर रहा है मतलब। एक मतलब फिर तालियां बजा करके दिख रही है। क्या आ रही है खड़ा, क्या बात खड़ा देखिए खड़ा है खड़ा जो मेरा हवाओं में। अगर अगर मिजाज से सुन लिया तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा, है खड़ा है खड़ा मेरा खलाओं में, पहना है मैंने पांव में। क्या बात है, वाह वाह, ताज पहना है मैंने पांव में, ताज पहना है मैंने पांव में, ताज पहना है मैंने पांव में। अब हुस्ने मतला देखिएगा, ये अजब अजीब मतला था, जहन से मेरे निकल रहा था मगर आपकी मोहब्बत की डोर से मैं उसे मतले को स्क्रीन पर लाया है। मुलाहिजा फरमा लें कि मुस्कुराता मुस्कुराता, अरे थोड़ा सा मुस्कुरा दो मेरे भाई, के मुस्कुराता रहूं बुतों
काटा चुभे न पाए। क्या बात है, क्या ताबीज, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे काटा चुभे न पाऊं मैं। एक शेर और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनाते हुए मुलाहिजा फरमाने के, बस यही फिक्र मैं कशों को है। अच्छा है, बस यही फिक्र मैं कशों को, बस यही फिक्र, बस यही फिक्र मैं कशों को है, बस यही फिक्र मैं कशों को है। कैसे मिल्लत हो पारसा में, क्या मिल्लत हो पारसा में, कैसे मिल्लत हो पारसा। बेहतरीन तरीके से आपने इस्तकबाल किया है। एक शेर और इस्तकबाल में हाजिर करता हूं, जिसमें कैसर अली राना मुलाहिजा फरमाले कि मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। वाह, मेरे दिल का इलाज मत कीजिए, मेरे दिल का इलाज मत कीजिए, मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। दर्द ही दर्द है दवाओं में, दर्द ही दर्द है दवाओं में,